स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे पालक, बैंगन और आलू की बेहद शानदार सी रेसिपी, कम तेल और बिना मसालों की। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने लिया है एक बंच पालक, इसको धो लिया है मैंने, साफ कर लिया है। 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं मैंने और 4 मीडियम साइज के बैंगन और 2 टमाटर। तो सबसे पहले हमको आलू बैंगन को कट कर लेना है। आलू को हम मीडियम साइज के टुकड़ों में कट करेंगे और बैंगन की जो टोपी होती है ना, डंठल, ये हम निकाल देंगे और कट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि अगर कीड़े हैं तो। ये देखिए, इसको हम निकाल देंगे कट करके, और इसके भी हम छोटे टुकड़े करेंगे। और पालक को भी देखिए मैंने कट कर लिया है। इधर गरम किया है कढ़ाई, 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और इसमें हमने डाल दिया है 4 से 5 हरी मिर्ची और लहसुन की कलियां 7 से 8 बारीक कट करके, और 1 चम्मच जीरा। तो इन सबको हम लाल होने देंगे। लहसुन इसमें ज़्यादा डालें तो अच्छा टेस्ट आता है। और अभी डाल दिया है कट किया हुआ आलू और बैंगन, इसको थोड़ा नरम होने तक भूनेंगे। नरम हो जाए तो डाल देंगे टमाटर और इसको भी साथ में। भून लेंगे अच्छे से और कवर करके पकाएंगे थोड़ा और नरम हो जाए। नरम होने के बाद डाल देंगे बारीक कट किया हुआ पालक। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 2 मिनट कवर करके इसको पकाएंगे। दो मिनट के बाद वापस इसको चलाएंगे। पालक की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाए उसके बाद हम यूज़ करेंगे नमक का, और अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। बस हमको इसी के साथ बनाना है। बिना मसालों के भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। कवर करके पकाएंगे 2 मिनट। दो मिनट के बाद देखिए पालक एकदम सॉफ्ट हो चुका है। वापस इसको हम कवर करके 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट के बाद चेक कर लेंगे और ये सब्जी देखिए रेडी है। ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म। इसको पूरी, पराठा, चपाती, राइस, दाल किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है और बहुत ही कम समय में। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।